गुड मॉर्निंग बॉयज, चलिए आज के प्रश्न की ओर चले। प्रश्न है, 600 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि एक का 2/5 से 40 रुपया अधिक, बी का 2/7 से 20 रुपया अधिक तथा सी का 9/17 से 10 रुपया अधिक परस्पर बराबर है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। मान लेते हैं हम, चलिए पहले देखते हैं ये 600 रुपया भैया इसे किस में बांटना है आपको, ए में, बी में और सी में, इसी में बांटना है। कैसे बांटना है, तो ए का जो हिस्सा है उसका 2/5 जोड़ 40, बी का जो हिस्सा है उसका 2/7 जोड़ 20 और सी का जो हिस्सा है उसका 9/17 जोड़ 10। ये सब आपस में क्या है, बराबर है। ये सब आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम ना, ए का 2/5 जोड़ 40 बराबर बी का 2/7 जोड़ 20 बराबर सी का 9/17 जोड़ 10 बराबर है। तो आप कहेंगे सेम ही तो लिख दिया आपने, कोई अंतर तो नहीं किया, कारण यहां पर तो जगह था नहीं, स्पेस था नहीं, इसीलिए हमने क्या किया, सेम एज इट इज जैसा था वैसा यहां पर लिख दिया। ये सब जब बराबर है तो क्या इसके बराबर हम 100 ज़ूम कर लें? अब कहोगे 100 कैसे ज़ूम कर लिया आपने, आपके मन में निश्चित रूप से ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम 100 कैसे ज़ूम करें, आपने तो कर लिया, हम कैसे कर पाएंगे भाई। तो ये सब बराबर है, यहां कुछ ना कुछ तो होगा, सोचो ऐसा चीज यहां रखो जिसमें से ये +40 बराबर किधर आएगा, तो माइनस में जाएगा, 40 घटाने के बाद वह 2 से कट जाए। ऐसा चीज यहां रखो जिसमें 20 घटाने के बाद फिर वह 2 से कट जाए, और ऐसा चीज रखो जिसमें 10 घटाने के बाद वह 9 से कट जाए। ठीक है, तो हमने 100 रखा, 40 घटाएंगे 60 बचेगा, 2 से कटेगा, 100 रखा 20 घटाएंगे 80 बचेगा, 2 से कटेगा, 10 घटाएंगे 90 बचेगा, 9 से कटेगा, इसीलिए हमने 100 बराबर में मान लिया। चलिए इस ये चीज ये तीनों आपस में बराबर है, इसके बराबर हमने 100 को जूम किया माना, तो क्या हम लिख सकते हैं ए का 2/5 जोड़ 40 बराबर 100। 40 को उधर ले जाएंगे आप, ए गुना 2/5 बराबर 100 माइनस 40, तो लिखेंगे ए गुना 2/5 बराबर 60 बराबर किधर, बराबर किधर, ऊपर ऊपर कटता है गुना में रहने पर, 2 से इसे काट दोगे 30 टाइम में कट जाएगा, ए बराबर 150। ए का वैल्यू कितना आ गया भाई, ए का वैल्यू कितना, 150। आइए बी में चले, फिर क्वेश्चन में कह रहा है बी का 2/7 जोड़ 20 बराबर 100, तो बी गुना 2/7 बराबर +20 को बराबर उधर ले जाओगे, माइनस में जाएगा, 100 में से 20 घट जाएगा, तो क्या 80 नहीं बचेगा, तो आपका रिजल्ट 2 से फिर 80 40 टाइम में कट जाएगा, तो कहोगे बी बराबर 40 गुना 7, 7 चौका 28, 280। बी का वैल्यू कितना आ गया, 280। और सी की बात यदि करें तो क्वेश्चन में है सी का 9/17 जोड़ 10 बराबर 100, तो सी गुना 9/17 बराबर 10 उधर जाएगा घटेगा, 100 में से 10 घटेगा 90, 9 से 90 को काट लो 10 टाइम में, तो सी बराबर कितना, 170। सी का मान यहां रख दो 170। ये तीनों प्रॉपर एक रेशियो में आ गया, एक अनुपात में आ गया। अब 600 रुपया को इस अनुपात में आपको बांट लेना है, लेकिन यहां पर आप जब गौर करेंगे इसका 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 सम जो है वह 600 के बराबर ही तो है, तो ए को कितना मिल गया, 150 रुपया। ये ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो गया, ए नंबर 150 रुपया। यदि यह प्रश्न, इसका सॉल्यूशन, मैजिक सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।